नमस्कार। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान किया है कि 5 अप्रैल को 9 बजे 9 मिनट के लिए सब लोग अपनी घर की बत्तियां बुझा दें और दिया, मोमबत्ती या फिर अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ही जला दें। तो निश्चित तौर पर देश जिस कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है उसमें सब एक दिखें, सब एक दूसरे से सकारात्मक ऊर्जा एक्सचेंज करें, वो सब बहुत अच्छी बात है और मैं भी इसका पक्षधर हूं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि 5 तारीख को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए हम सब अपने घरों की बत्तियां बुझा दें। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी की अपील का बहुत असर होता है तो हमने देखा था कि पूरा देश ताली थाली और शंख बजाने निकल आया था बालकनी में। कुछ लोग अति उत्साह में क्या कर गए थे, एक साथ इकट्ठा होकर जुलूस टाइप निकल गए थे, वो मूर्खता थी। लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की अपील का कितना असर है ये दिखता है। लेकिन मैंने जैसे कहा, कई बार मैं ये कहता रहा हूं कि मेरा जो ये सामाजिक परिवार है वो कई चीजों को बहुत बारीक नजर से देखता है। और अभी कानपुर से बिजली विभाग के एक इंजीनियर का मुझे सुबह सुबह फोन आया। उन्होंने कहा कि अगर देश ने प्रधानमंत्री जी की बात मान ली, ये अपील मान ली, तो हाहाकार मच जाएगा। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर ये माना और देश ने 9 बजे लाइट बंद की, 9:09 पर चलाई, तो पूरे देश की ग्रिड की सप्लाई एक साथ रुक जाएगी और जब अचानक पूरे देश की ग्रिड की सप्लाई एक साथ आएगी तो ग्रिड फेल्योर होने का खतरा हो सकता है। ग्रिड फेल्योर होने का सीधा सा जो दुष्परिणाम होगा वो ये कि कम से कम 2-3 दिनों के लिए पूरे देश की बिजली गायब हो जाएगी। और जिन्होंने मुझे ये सुबह सुबह कहा तो उसके बाद मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि ये बात आप आगे बढ़ाइए, प्रधानमंत्री जी को बताइए। तो एक लगता है लोगों को कि शायद हम लोगों की बात सुनी जाती है, जबकि मैं ये कहता हूं कि ये समय ऐसा है कि सबकी बात सुनी जाती है। मोदी जी का फीडबैक सिस्टम दुरुस्त है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि अगर प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है तो क्या विशेषज्ञ वहां नहीं रहे होंगे, क्या बड़े लोग नहीं रहे होंगे, क्या किसी ने इस छोटी सी बात पर किसी का ध्यान नहीं गया होगा या किसी को ये साहस नहीं हुआ कि उनके सामने सही बात बता सके। उसके बाद मैंने उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कई बड़े अधिकारियों से बात की, अलग अलग बात की, और इसीलिए अलग अलग बात की कि एक को दूसरे का पता नहीं है कि किससे मैंने बात की। और सबने ये आशंका जताई कि बिल्कुल ये हो सकता है, ये आशंका है अगर एक साथ 9 मिनट के लिए पूरे देश की बत्ती बंद हुई तो उसके बाद 2 दिनों के लिए बत्ती बंद हो सकती है। बिजली जाने का मतलब होगा पानी का संकट खड़ा हो जाएगा, जो जरूरी सुविधाएं हैं उनका संकट खड़ा हो जाएगा। और 2013 में एक बार सिर्फ नॉर्दर्न ग्रिड फेल्योर हुआ था, हाहाकार मच गया था देश में और वो सामान्य परिस्थिति में हुआ था। अब अगर ये होगा तो इस समय वैसे ही स्थितियां आपातकाल जैसी हैं। आपातकाल मतलब इमरजेंसी नहीं है, आपातकाल मतलब जो इमरजेंसी सामान्य इमरजेंसी होती है। तो मैं बिजली विभाग के जो भी विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा। एक तो कि इसके कुछ प्रिकॉशंस होंगे वो भी पता करने चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी इस बात को सोचना चाहिए कि अगर इतने प्रिकॉशन लेने के बाद भी इसका जरा सा भी अंदेशा है, क्योंकि जिन इंजीनियर साहब ने मुझे फोन करके आगाह किया उन्होंने कहा कि अगर ये हो गया तो देखिए विपक्ष आरोप लगाएगा कि प्रधानमंत्री जी ने ग्रिड फेल करवा दी। इतना भरोसा लोगों को है, देश के लोगों को प्रधानमंत्री पर, इतना ज्यादा लोग चाहते हैं कि वो फेल न हो किसी मुद्दे पर, और शायद इसीलिए उन्होंने सुबह सुबह मुझे फोन किया, वरना फोन करने की क्या वजह होती। तो आपको प्रधानमंत्री जी ये सोचना चाहिए कि कहीं ये 9 बजे 9 मिनट का जो ये बत्ती बंद करने का फैसला है ये कई दिनों के लिए ना हो जाए, देश में हाहाकार न फैला दे। और जो सबसे बड़ी देर है कि हाहाकार मच जाएगा इतना भर नहीं है, जरूरी सुविधाएं अगर रुक गई तो आप ये भी सोचिए कि जगह जगह, एक बड़े बिजली विभाग के अधिकारी ने मुझे कहा कि इंडस्ट्रियल लोड तो वैसे ही डाउन है, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल लोड चल रहा है और वो भी अगर पूरी तरह से बंद हो गया तो ग्रिड के फेल होने की आशंका बहुत बढ़ जाती है। तो मैं निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री जी से और जो भी एक्सपर्ट लोग हैं कि या तो इसको बदलें और या कोई रास्ता निकालें जिससे ऐसी कोई भी आपात स्थिति न पैदा हो कि कोढ़ में खाज जैसी स्थिति हो जाए, बहुत ज्यादा खराब स्थिति हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।